शाश्वतम् प्रकृति मानव संगतम् संगतम् खलु शाश्वतम् तत्वसर्वं धारकम् सत्वपालनकारकम् वारिवायु व्योमवहनिज्यागतम् शाश्वतम् प्रकृति मानव संगतम्। गीता में कर्तव्य पालन को सबसे बड़ा धर्म बताया गया है। इसके पालन के लिए अपने अंदर बाहर के हर प्रकार के शत्रु से लड़ो। अथ चेत्वमिमं धर्म्यं संग्रामं न करिष्यसि ततः स्वधर्मं कीर्तिंच हित्वा पापमवाप्स्यसि। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री जी ने इस युद्ध में सर्वथा विजय प्राप्त की। प्रोफेसर सत्यव्रत शास्त्री का जन्म अविभाजित भारत के लाहौर में 1930 में हुआ था। चौथी कक्षा तक की पढ़ाई आपने यहीं पर की। जन्म तो लाहौर में हुआ और मेरी प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं पर हुई। वहाँ पर स्कूल की शिक्षा मेरी केवल चतुर्थ श्रेणी तक हुई। इसके बाद हमारे पिताजी ने सोचा कि पारंपरिक संस्कृत की शिक्षा ही मुझे ग्रहण करनी चाहिए, इसलिए उन्होंने पिता का धर्म भी निभाया और गुरु का। 11-12 वर्ष की अवस्था में आप संस्कृत भाषा में पारंगत हो गए थे। मेरी पहली कविता जब मैं अभी कोई 11.5 वर्ष का ही था तो प्रकाशित हो गई थी जयपुर से। तब उन दिनों में एक पत्रिका निकलती थी संस्कृत रत्नाकर नाम की, जिसके यशस्वी संपादक थे महामहोपाध्याय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री। कविता का शीर्षक है षड ऋतु वर्णनम। तो उस शीर्षक के नीचे संपादकीय टिप्पणी में आदरणीय भट्ट मथुरानाथ शास्त्री जी ने मेरी उम्र का उल्लेख किया और ये लिखा है कि यह कविता 12 वर्ष के एक बालक ने लिखी है। नवविवाहित जोड़ी जब एकांत भ्रमण पर निकलती है, रूप सौंदर्य फूल खुशबू चांद तारों की बात करती है, लेकिन प्रोफेसर शास्त्री अपनी धर्म पत्नी से यह वचन लेना नहीं भूलते कि आप मेरे लेखन कर्म में बाधा तो नहीं बनेंगी। 2 दिन हुए शादी को तो यहाँ ये जो इंडिया गेट है इस पर घूमने के लिए आए हम, तो बेंच पर बैठ गए तो इनका चेहरा बड़ा गमगीन सा हो गया। मैंने पूछा क्या बात है, कहने लगे मैं सोच रहा हूँ तुम मेरी पढ़ाई में बाधा तो नहीं बनोगी, प्रॉमिस करो। मैंने कहा प्रॉमिस किया और वो प्रॉमिस मैं आज तक निभा रही हूँ। यह है प्रोफेसर शास्त्री का अध्ययन कक्ष और लेखन धर्मस्थली भी। ये कक्ष और कुर्सी अपने आप में ज्ञान के अकूत विरासत के गवाह हैं। हमारे पिताजी जिनकी दिनचर्या पढ़ाई से शुरू और पढ़ाई से खत्म, 3:30 बजे उठ जाते थे और 4 बजे स्नान ध्यान करके पढ़ाई में तल्लीन, और जब हम 7:15 उठते तो ऐसे हैरान होकर देखते थे अरे सूर्योदय हो गया। इसी लगन और समर्पण के परिणाम है सैकड़ों देशों का भ्रमण, अनेक सम्मान और 1100 दुर्लभ पुस्तकों का यह संकलन। एक ही घर में 3-3 राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित व्यक्तित्व विरले ही मिलेंगे, प्रोफेसर शास्त्री, उनके पिताजी और धर्मपत्नी उषा सत्यव्रत जी। साहित्य अकादमी ज्ञानपीठ, पद्मश्री, पद्मभूषण के साथ साथ अनगिनत पदक और सम्मान इस संग्रहालय नुमा घर की शोभा बढ़ा रहे हैं। लेखन पठन पाठन की व्यस्तता के बावजूद परिवार के लिए समय निकालना, मित्रों रिश्तेदारों से मिलना उन्हें अच्छा लगता था। घर के पकवान में उन्हें मीठा बहुत पसंद था। खाने पीने का तो उनको शौक था, गला सेंसिटिव था, लेकिन मीठे का बहुत शौक था, तो मीठा हमेशा काफी पसंद करते थे। वांग्मय के इस जीवट साधक ने जिस भी शास्त्र सागर में गोते लगाए दोनों मुट्ठियों में मोती भर कर ही उभरे। इन कीमती मोतियों की पहचान की साहित्य अकादमी दिल्ली ने, और हो भी क्यों ना,
स्वयं शास्त्री जी की इच्छा थी कि अपनी पुस्तकें दान करें। लगभग 2 माह तक ज्ञान मंदिर के इस संग्रहालय में साहित्य अकादमी के अधिकारियों और कर्मियों ने साथ मिलकर पुस्तकों की गिनती की और उन्हें सूचीबद्ध किया। शास्त्री जी द्वारा दान में प्राप्त हजारों हजार पुस्तकों को अकादमी ने कृतज्ञ भाव से ग्रहण किया और सम्मान पूर्वक अपने हृदय पटल पर स्थान दिया, सजाया, संवारा और फिर अध्यर्थियों और शोधार्थियों के लिए द्वार खोल दिया। पुस्तकों की इस अकूत विरासत के साथ वांग्मय की ज्ञान गंगा बहाते हुए संस्कृति का ज्ञान दीप जलाने वाला साधक 14 नवंबर 2021 को अनंत यात्रा की ओर चल पड़ा।